लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल मैदान में डटकर प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। भाजपा प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस के कई चेहरे प्रचार प्रसार से दूर हैं, जिनमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का नाम भी शामिल है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की चुनाव प्रचार प्रसार से गैर मौजूदगी पर पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जनजाति वर्ग की उपेक्षा करती है। उमंग सिंघार की बुआ जी उप मुख्यमंत्री थी। उनका बयान था कि मैं दिग्विजय सिंह की भट्टी में जल रही हूँ, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हैं जिन्होंने जनजाति वर्ग को सम्मान दिया है और एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। उप मुख्यमंत्री थी, पर उनका बयान था कि मैं दिग्विजय सिंह की भट्टी में जल रही हूँ, ऐसा उनका बयान था। शिवपाल सिंह सोलंकी जी को पूरे जीवन उन्होंने सीएम का दावा, सीएम नहीं बनने दिया। दलवीर सिंह की आदिवासी वर्ग से नेता आते थे, उन्होंने क्या आश्रम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी है जिन्होंने शीर्ष पर जनजाति व्यक्ति की महिला श्रद्धेय आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है। ये काम भाजपा में ही है, बाकी सब जगह तो बातें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।